हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रेम कार ब्लॉग्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0। तो अब हम बता देते हैं इसके बारे में क्या क्या इसके अंदर फीचर्स मिल गए हैं। ज़बरदस्त लुक के साथ आई है ये, देखिए DRLs मिल जाते हैं। बात करें इसमें DRLs, जो कि एच टाइप में हीरो का बरकरार रखा हुआ है, तो इन्होंने एच में ही बना दिया है। और पासिंग इसकी जला के दिखाएं, ये देखिए कितना ही रोशनी है इसकी, ज़बरदस्त। तो वाइट LED के साथ सब कुछ है इसके हेडलाइट में, बस हैलोजन इंडिकेटर्स कर दिए गए हैं। भाई इसमें भी हमें थोड़ा सा दुख लगा क्योंकि इसमें LED डालनी चाहिए थी, पर कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, अगली बार आ ही जाएगा। फ्रंट में ये लुक है, टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक्स इसके सस्पेंशन मिलते हैं सारे ही, 18 इंच इसके है, इसके अलॉयज और ब्लैक कॉम्बिनेशन मिलता है इसके अंदर। ट्यूबलेस के टायर हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन इसकी, दोनों कलर्स और तीनों कलर्स को इसमें कॉम्बिनेशन में दे रखा है, ग्रे ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ, ज़बरदस्त है भाई। और आप देखें भाई कॉम्बिनेशन, ये जो आपने देख रखा है ग्राफिक्स, देखिए भाई रेड की लाइनिंग दे रखी है जो कि इस कॉम्बिनेशन को देती है एक अलग अलग सा कॉम्बिनेशन दे रखा है। और इस टाइप का इसका साइलेंसर भाई छोटा सा पतला सा कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा ही गैप सा दिखता है अलग सा ही। और यहाँ पे भी हमें वही 18 इंच के अलॉयज मिलते हैं टायर साइज़। और पीछे से आप लुक देखें तो भाई ये भी चेंज, हमारी बैक लाइट इसमें भी हैलोजन लाइट है, पर एच का हमारा सिंबल दे रखा है एक, और इसमें बीच में भी लिखा हुआ है एक हीरो ब्लैक से, वो काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। और यहाँ पे नेम प्लेट का है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया है इसका मुडगर्डर। और साइड फुटरेस्ट इस टाइप के मिल रहे हैं, और ये हमें प्लास्टिक का मिल गया है क्योंकि जंग वंग से बचेगी और कुछ नहीं है भाई, ये चीज़ तो मेन चीज़ थी भाई जंग से बचने के लिए, नहीं तो बार बार चेंज कराना पड़ता था। और ये इसका इंजन है, थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है, ये छोटी कर दी है, टंकी भी छोटी कर दी है। 9.8 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और 95 किलोमीटर का इसका एवरेज है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा दे रखा है। अब 95 किलोमीटर, 1 लीटर में 95 किलोमीटर भगाओ भाई, कहीं पर भी जाओ भगाओ। और यहाँ पे देखिए एक USB का पोर्ट दे रखा है साइड में, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट मिल गया है इसके अंदर, आप देखें काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिव। और ये आपको बता दूँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है इसके अंदर, ट्रिप मोड भी हैं, कितनी स्पीड तक जा रही है, कितना फ्यूल है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाएगा। जैसे कि अभी कम फ्यूल है तो इसमें दिखा रहा है लाइट जल रही है, फ्यूल वाला न्यूट्रल है, सारे ऑप्शन इसके अंदर दे ही रखे हैं। इस टाइप की इसकी की मिलती है और ये फ्यूल टैंक है, चेसिस देख रहे हैं इस टाइप की है। और मेन चीज़ इसमें हज़ार्ड लाइट मिल गई, मतलब पार्किंग जो इंडिकेटर्स बोलते हैं ना, वो उसकी बटन आ चुकी है। अब ये देखिए बटन दबा के दिखाएं तो चारों ही इंडिकेटर इसके जल रहे हैं, जिसकी आपको ज़रूरत थी वही चीज़ मिल गई है। तो अब हम एंड में इसके बता दें ग्राउंड क्लियरेंस, तो वही हमारा 165 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। 112 kg का इसका वेट है, कम कर दिया गया है, सब कुछ कम हो गया है तो वेट भी कम हो गया है, एवरेज चाहिए तो भाई कम कर दिया गया है इसी वजह से। 100 cc में तो मिलती है ये। और तो इसकी हम प्राइस की बात करें तो भाई 1 लाख तक, ये करेक्ट 1 लाख तक जाएगी, जो भी पूरा जितना पड़ता है ना वो 1 लाख तक ही होगा, 1 लाख तक जाएगी ऑन रोड प्राइस। तो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।